इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ टाइप्स ऑफ स्केल्स पर कि स्केल्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं तो उसमें आपको ये वर्ड याद रखना है नॉयर जिससे कि आपको याद रहेगा हमेशा तो एन आपका नॉमिनल है ओ ऑर्डिनल है आई से इंटरवल एंड आर से रेशियो तो ये आपको चार स्केल्स यहां पर पढ़ने हैं आ, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉमिनल की तो नॉमिनल स्केल आपका हमेशा आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है सिर्फ नाम के लिए यूज हो सकता है आप ये कह सकते हैं बेसिक पर्पज जो होता है इनका वो क्या होता है लेबलिंग करना या क्लासिफिकेशन करना जैसे एग्जाम्पल के साथ अगर मैं बात करूँ तो आपने क्रिकेट प्लेयर्स या किसी भी गेम के प्लेयर्स की टी शर्ट्स पर देखे होंगे कुछ नंबर या अल्फाबेटिकली उनको क्लासीफाई uh, किया हुआ होता है तो वो नंबर सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि ये नंबर किस प्लेयर uh, को डिपिक्ट करता है ठीक है वहाँ पर uh, उसका ये मतलब नहीं है कि uh, जिसकी टी शर्ट पर एक लिखा है वो टॉप पर है या वो सेकंड uh, दो नंबर वाले प्लेयर की टी शर्ट जिसपे लिखा हुआ है तो वो दो नंबर वाले प्लेयर से आगे आता है पहले नंबर पर आता है ऐसा कोई भी कंक्लूजन uh, आप वहाँ से नहीं निकालेंगे सो दिस इज मेयरली फॉर द क्लासिफिकेशन पर्पज इसी तरह से मेल फीमेल को सपोज हम वन या टू असाइन कर दें नंबर्स ब्लड ग्रुप्स हैं आपके ये सभी आपके नॉमिनल स्केल्स के एग्जाम्पल्स हैं तो यहाँ पर जो आपका मिसिंग होता है वो क्या होता है ऑर्डर ठीक है जो वन टू थ्री जिनकी भी मैंने बात की वहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं है जैसे वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं है सेकेंड इज नॉट वर्स देन द फर्स्ट ठीक है तो ये चीज ऑर्डर हमने लाने के लिए किस स्केल को यूज किया ऑर्डिनल स्केल को तो ऑर्डिनल स्केल क्या हो जाएगा जहां पे आपका ऑर्डर आ जाता है वेयर ऑर्डर इज प्रेजेंट इन योर स्टडी तो उन यूनिट्स में ऑर्डर होने से क्या मतलब है अब जो चीज मैंने आपको मिसिंग बताई थी वो यहां पर अप्लाई हो जाएगी कि वन टू थ्री जो भी है वो वन टू थ्री ना होकर क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड तो देर इज एन ऑर्डर जैसे अगर मैं किसी क्लास में बात करूँ मैंने स्टूडेंट्स पे रिसर्च किया है तो वहाँ पर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड निकल के आए हैं वो हमें ये बताते हैं कि सेकंड इज फर्स्ट स्टूडेंट इज मोर इंटेलिजेंट देन द सेकंड वन एंड सेकंड इज मोर इंटेलिजेंट देन द थर्ड स्टूडेंट इसी तरह से एक इसका एग्जाम्पल आप रेटिंग एग्जाम्पल भी रेटिंग uh, स्केल्स को भी ले सकते हो रेटिंग uh, स्केल्स में जैसे हम क्या कैटेगरीज रखते हैं एक्सीलेंट गुड फेयर एवरेज इस तरीके से करके पुअर वेरी पुअर तो जो ये कैटेगरीज हैं आपकी uh, जो ये स्पेक्ट्रम है यहाँ पर एक ऑर्डर है सो एक्सीलेंट इज बेटर देन गुड एंड गुड इज़ बेटर देन फेयर ठीक है तो ये चीज़ जो है वो आपकी ऑर्डिनल स्केल में काउंट होंगी और मिसिंग यहां पर क्या रहेगा अब हम यहां से दूसरे स्केल पर क्यों शिफ्ट होंगे क्योंकि यहां पर मैग्नीट्यूड मिसिंग है मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है उसमें हमें ये नहीं पता कि हाउ मच सेकंड इज इंटेलिजेंट देन द फर्स्ट हाउ मच सेकंड इज इंटेलिजेंट देन द थर्ड तो इनके बीच में जो मैग्नीट्यूड है वो इंटरवल इक्वल है अनइक्वल है कितने हैं वो हमें कुछ भी नहीं पता है तो उस इंफॉर्मेशन के लिए हम कहाँ स्विच करेंगे इंटरनल स्केल्स पर तो इंटरनल स्केल का क्या फीचर यहाँ पर आ जाएगा कि जो उसकी यूनिट्स हैं इनके बीच का इंटरवल हमेशा इक्वल रहेगा ठीक है ये चीज आपको याद रखनी है तो इक्वल इंटरवल्स इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो जैसे हाइट सॉरी टेम्परेचर है आपका तो वो आपका किसके अंदर आ गया इंटरवल स्केल के अंदर तो uh, जैसे प्राइस इंडेक्स को भी मैंने यहां पर रखा है तो यहां पर एक ट्रिकी चीज़ आ जाती है कि जीरो जो है वो आपका आर्बिट्रेरी uh, माना जाता है यहां पर, यह है पर या हाइपोथेटिकल होता आपका एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता तो एब्सोल्यूट जीरो होने से क्या मतलब है जैसे अगर मैं टेम्परेचर के थ्रू ही आपको समझाऊं तो टेम्परेचर अगर हमारा जीरो पॉइंट पर है जीरो उसकी मेजरमेंट है तो उसका मतलब ये नहीं है कि जीरो टेम्परेचर है टेम्परेचर है ही नहीं ऐसा नहीं होता जीरो टेम्परेचर का मतलब क्या है कि इट्स कूल एंड कूल एनवाइट कूल टेम्परेचर ठीक है ऐसे ही प्राइस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो अगर बेस ईयर है जहां पर हम जीरो रखते हैं उसे तो वहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइसेस जीरो हैं आपके प्राइसेस जो हैं वो आपके सर्टेन जो हमने फिक्स किया है बेस ईयर के वो आपके जीरो पर आ रहे हैं

तो ये आपका बेसिकली रेशो स्केल्स रहेगा वेयर एब्सेंस ऑफ अ गिवन एट्रीब्यूट एट द पॉइंट जीरो तो जीरो पॉइंट पर जो आपका एट्रीब्यूट या जो भी प्रोडक्ट है वो क्या है एब्सेंस है उसका एब्सेंट रहेगा वहां से तो ये आपका मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्केल होता है ये आपका कॉम्प्लेक्सिटी इसी स्पेक्टर uh, uh, में चलती है ये आपके सिंपलेट स्केल माने जाते हैं जबकि वो आपके कॉम्प्लेक्स स्केल रहेंगे रेशो स्केल्स इसी तरह से आपका लोएस्ट ऑर्डर स्केल है और वो आपका हाइएस्ट ऑर्डर स्केल है सो आई होप ये स्केल्स आपको क्लियर हो गए होंगे और आ, ये वीडियो मैंने बहुत ही शॉर्ट में बनाया है uh, मैंने ट्राई किया है कि क्विकली uh, मैं आपको इन सभी का डिफरेंस समझा दूँ अगर आप एग्जामिशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर रहे हैं बट अगर आप uh, इनको डिटेल में समझना चाहते हैं इन स्किल्स को तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप मेरी रिसर्च मैथडोलॉजी प्लेलिस्ट में जाएँ और उस इसी वीडियो को अच्छे से एक लॉन्गर वर्जन में देखें uh, क्योंकि ये वीडियो जो है वो मेरा मोस्ट व्यूड वीडियो है चैनल पर सो आई एक्सपेक्ट कि आपको वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा सो यू मे गो एंड चेकआउट दैट वीडियो एंड क्विकली मैंने आपको इसमें बता दिया है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और ऐसे ही अगर रिसर्च से रिलेटेड को भी और टॉपिक है आपके माइंड में तो प्लीज प्लीज लेट मी नो इन कमेंट्स एंड आई क्विकली मेक अ वीडियो इन दैट सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी इंग द नेक्स्ट वीडियो